हे गाइस, माय नेम इज़ रोशन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रोशन माइंड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एक यूट्यूब चैनल की मदद से वीडियो अपलोड कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर चुके हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। मैं बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में आऊँगा। अगर आपको नहीं पता है कि स्टूडियो में कैसे आया जाता है, मान लो आप मोबाइल यूज़र हैं, तो आपको सिंपल क्रोम में आना है। क्रोम में आने के बाद यहाँ थ्री डॉट पे दिखेगी आपको। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद लास्ट से दूसरे से तीसरे नंबर पे डेस्कटॉप मोड आएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका भी मोबाइल कुछ पीसी की तरह दिखने लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सर्च बार में सर्च करना है studio.youtube.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपका YouTube का स्टूडियो खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप यहाँ देख रहे हो क्रिएट का ऑप्शन है। आप इस पर क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करके भी अपलोड वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप इस पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ भी अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। तो चॉइस आपकी है, चाहे तो आप क्रिएट से कर लो या तो यहाँ अपलोड से कर लो। तो सिंपल मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ सेलेक्ट फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको फाइल्स चूज़ करने के लिए कहेगा जहाँ पर भी आपका वीडियो है। तो सिंपल मैं अपनी वीडियो को ले लेता हूँ। जैसे कि ये मेरी वीडियो है, मैंने इस वीडियो को ले ली है। जैसे सेलेक्ट किया मैंने तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा अपलोड वाले सेक्शन के अंदर। तो जैसे कि आपको मैं ये बहुत ही छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिससे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक वीडियो को अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल की हेल्प से। अगर आपको प्रॉपर SEO सीखना है, किस तरीके से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाया जाता है, थंबनेल किस तरीके का होना चाहिए, प्लस पॉइंट इसका एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने अपने PC के अंदर एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है। यूट्यूब के वीडियोस को रैंक करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है ये, ठीक है। इसकी मदद से आप टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग थंबनेल लगा सकते हो और ये आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। देखते जाओ, मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे। यहाँ अभी जीरो दिख रहा है रेड कलर से। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप डिटेल का है, जिसके अंदर हमें टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, थंबनेल लगाना है, उसके बाद टैग्स लगाएंगे हम, ठीक है। तो चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम। और नीचे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग अप टू HD 22 मिनट्स, मतलब मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है जो इतना समय लेगा। चलिए जब तक हम बाकी के काम करते हैं, जैसे कि हमें टाइटल लगाना है, तो टाइटल लगाने के लिए सबसे पहले ये वाला रिमूव कर देंगे हम। उसके बाद सिंपल मेरा जो टाइटल है, मैं टाइटल ले लूँगा अपना। मैंने अपना कॉपी पेस्ट करके रख रखा है यहाँ पर टाइटल, तो सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने अपना टाइटल लगा लिया है। अब उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन लगाना है, तो डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए भी सिंपल मैंने यहाँ सब कुछ पहले से ही रख रखा है कि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे समझने में किसी भी चीज़ को। जैसे कि ये देख सकते हो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन भी टोटल का टोटल कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दूँगा। अब आप नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में एक लिमिट होती है और टाइटल में भी लिमिट होती है, वो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, डिस्क्रिप्शन आप 5000 वर्ड तक ही लिख सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो। 5000 वर्ड से ऊपर आप टाइप नहीं कर सकते हो या कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं लिख सकते हो 5000 से ऊपर, ठीक। वैसे ही आपको यहाँ टाइटल दिख रहा है आपको। टाइटल में जो लिमिट वर्ड लिमिट होती है वो 100 की होती है, 100 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते हो टाइटल के अंदर। ये देख सकते हो आप, ये 100 वर्ड की लिमिट होती है, इससे ज़्यादा आप वर्ड यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो यहाँ सिंपल कुछ नहीं किया कीजिए, एट द रेट करके अलग अलग जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके यहाँ पर, मतलब आप उनको एट द रेट करके यहाँ मैंसन कर दिया कीजिए। जैसे कि मैं जो भी मतलब पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं उनको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मनोज दे हो गए। उसके बाद फिर से एक एड एडिट और लगाएंगे हम, वो हो गया अपना टेक्निकल योगी जी हो गए। उसके बाद फिर हम एक एड एडिट लगाएंगे, ऐसे ही आप जितना भी चाहो लगा सकते हो, 7, 8, 9, 10, 5, 6, जो भी आप जितना भी आपको लगाना है। तो हम लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियोस
पॉपुलर होती है, जल्दी जल्दी व्यूज़ आते हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, जिसके वजह से उनके जो व्यूवर्स होते हैं वो भी उन तक हमारी वीडियोस को पहुँचे। यहाँ पे ऐट द रेट करके मेंशन करने का मतलब यही होता है, जब हमने उनको यहाँ मेंशन किया है तो हमारी वीडियो उनके व्यूवर्स तक पहुँचेगी, उनके यूट्यूब डैशबोर्ड पर हमारी वीडियो भी शो करेगी। ठीक, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जैसे कि हमने डिस्क्रिप्शन लगा लिया है, अब हम थंबनेल लगाएंगे। तो थंबनेल में आपको समझा देता हूँ, थंबनेल की जो क्वालिटी होती है वो 2 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 2 MB से नीचे की होनी चाहिए, और थंबनेल आपका JPG फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फाइल के अंदर से हम अपने थंबनेल को ले लेंगे। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे अपना थंबनेल लगा दिया है। ठीक, उसके बाद हमारा थंबनेल लगते ही अब हम आएंगे टैग वाले सेक्शन में, अब हम यहाँ से टैग लगाएंगे। तो देखिए, टैग लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, या तो आपने टैग कहीं कॉपी करके रखा हो तो सिंपल टाइप कर रखा हो तो वहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, या तो आप ट्यूब बडी की हेल्प से, सॉरी ट्यूब बडी बोल रहा हूँ मैं, VidIQ की हेल्प से भी आप यहाँ पे थंबनेल लगा सकते हो। और VidIQ अगर आपको यूज़ करने नहीं आता है तो मैं आपके सामने जस्ट अभी देखिए एक थंबनेल शो कर रहा होगा, ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आधे घंटे की वीडियो है, मैंने इसमें कंप्लीट SEO समझाया है। और ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री है, लोग इसको सेल करते हैं अलग अलग प्राइजेस पे, बट ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री है। आप जाइए, एक SEO किस तरीके से अच्छे से किया जाता है मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया है, जाइए आप इस वीडियो को देखिए और आप भी एक अच्छे SEO करने वाले बन जाओगे, कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियो पर प्रॉपर SEO करके वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको VidIQ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियोस है VidIQ के ऊपर आप देख सकते हो। तो सिंपल, हमें यहाँ पे टैग लगाना है, तो टैग लगाने के लिए एक मैं वेबसाइट का यूज़ करने वाला हूँ, उसका नाम है रैपिड टैग। RapidTag.io पे मैं आऊँगा, यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मेरा जो टाइटल है वो है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये अपने आप ही जनरेट करके दे देगा यहाँ सर्च पे, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा। तो देख सकते हो आप, इसने कितने सारे टैग जनरेट कर दिए हैं, देख सकते हो व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, मतलब बहुत सारा इन्होंने जो है इस वेबसाइट ने हमें टैग दे दिया। तो सिंपल यहाँ कॉपी टैग का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा टैग जो है कॉपी हो जाएगा। वापस हम अपने आएंगे डैशबोर्ड के अंदर जहाँ हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सिंपल यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, उस जो टैग कॉपी किया है उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ जो वर्ड लिमिट होता है वो 500 वर्ड की लिमिट होती है, आप 500 से ऊपर टैग यहाँ नहीं लगा सकते हो, 500 से ऊपर वर्ड के। हमारा जो टोटल टैग लिमिट है वो 495 वर्ड के हैं, और आप देख सकते हो मैंने जो VidIQ में SEO किया है वो प्रॉपर 50 में से 48.1% हमने SEO कर लिया है, ये 50% का दिखला रहा है। वैसे VidIQ का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है जो हमें बाय करना होता है, मंथली चार्ज जाती है उसकी, तो उसमें आप प्रॉपर 100% SEO करोगे, आपकी हर वीडियो पे व्यूज़ आएंगे अच्छे खासे। बट 50% वाला भी ये फ्री है, 50% तक आपको इसमें भी प्रॉपर बताता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं मेरे भी वीडियोस पे जब मैं SEO प्रॉपर करता हूँ। ठीक, तो आपको VidIQ सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियोज़ मिल जाएगी आपको। तो देख सकते हो हमने टैग भी लगा लिया है, तो हमने अच्छा खासा मतलब अपना वीडियो अपलोड करने का SEO यहाँ पे कर लिया। ऐसे टाइटल हमने लगा लिया, डिस्क्रिप्शन लगा लिया, उसके बाद थंबनेल और टैग। तो टैग लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप देख सकते हो, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ लिख के आ रहा है चेक कंप्लीट नो इशू फाउंड, मतलब मेरी वीडियो को ये यूट्यूब वालों ने चेक कर लिया है और मेरी वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी कॉपीराइट वीडियो या कॉपीराइट थीम, कॉपीराइट फ़ोटोज़ की अपलोड नहीं किया गया है जिसके कारण मेरे वीडियोस पे कॉपीराइट है, तो ये पहले ही चेक करके बता देते हैं। उसके बाद हमें सिंपल है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऐड सबटाइटल लगा सकते हो, अगर आपको सबटाइटल लगाना है, ऐड एंड एंड स्क्रीन लगा सकते हो, मतलब कि जैसे ही आपकी वीडियो ख़त्म होने वाली है तो उसके 15-20 सेकंड पहले ही आपके कुछ दूसरे वीडियोस भी दिखने लग जाए, शो करने लग जाए स्क्रीन पे। और ये ऐड कार्ड का ऑप्शन है, ये भी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ऐड एंड एंड स्क्रीन लगाना सिखाएंगे। तो सिंपल इम्पोर्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप कितनी वीडियो लगाना चाहते हो, 3, 1, 2
या एक सब्सक्राइबर ऑप्शन और तीन वीडियो, तो मैं तीन लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। अब मैंने जो इससे पहले रिसेंट में जो जिस वीडियो पे तीन वीडियोस लगाई थी, वही वाली यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट हो गई। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला चेंज करना है, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पर क्लिक, यहाँ पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर जाने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल मुझे जो भी है वीडियोज़ आई हुई है वही रखना है, तो सिंपल यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब मैं आपको कार्ड लगाना सिखाता हूँ। तो ऐड कार्ड का ऑप्शन देख सकते हो आप ऊपर, कितनी बार वीडियोज़ में कितने लोग कहते होंगे आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप मेरे दूसरे वीडियो पे पहुँच जाओगे। तो सिंपल कार्ड का ऑप्शन यही होता है। तो मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो वीडियो लगाने के सिंपल वीडियो पे क्लिक करूँगा। मैं कौन सी वीडियो लगाना चाहता हूँ, मान लो मैं SEO वाली वीडियो लगाना चाहता हूँ, जो मेरी SEO की प्रॉपर SEO सिखाया है जिसमें मैंने, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डबल टैप करूँगा और लेके जाऊँगा यहाँ लास्ट में, जहाँ भी लगाना चाहता हूँ। मान लो मैं तीसरे मिनट पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ छोड़ दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो जैसे कि मेरी वीडियोज़ में ये फ्री है, तो बिल्कुल मैंने फ्री सिखाया है इस SEO को, तो सिंपल मैं यहाँ फ्री 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 लिख दूँगा तीन बार। उसके बाद टीजर टैक्स में भी मैं फ्री फ्री लिख दूँगा, ओके। तो यहाँ अपना कार्ड जो है वो लग चुका है, देख सकते हो मैंने जैसे ही फ्री फ्री लिखा है, यहाँ फ्री 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 आ गया है। तो मैं फ्री SEO लिख देता हूँ, फ्री SEO, फ्री YT, एक सेकंड सॉरी, फ्री YouTube SEO वीडियो, फ्री YouTube SEO वीडियो मैंने जैसे लिखा है यहाँ आ चुका है। उसके बाद सिंपल मैंने तीसरे मिनट पर सेट किया, यहाँ पे सेव कर दूंगा इसको मैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हो हमारा एंड स्क्रीन भी लग गया और ऐड कार्ड भी लग गया। उसके बाद हम सिंपल नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे कि देख सकते हो नो इशू फाउंड आ रहा है, मैं अपने वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी कॉपीराइट डर के, ठीक है। हमारी वीडियो को YouTube ने चेक कर लिया। उसके बाद सिंपल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शन आता है, मान लीजिए प्राइवेट करना चाहते हो आप अपनी वीडियो को, या अनलिस्ट करना चाहते हो बाद में प्राइवेट करोगे, या पब्लिक करना चाहते हो। तो मैं अपनी वीडियो को पब्लिक करना चाहता हूँ, बट अभी मैं वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी जो टाइम हो रहा है वो देख सकते हो अब 12:13 हो रहे हैं, तो मैं इस समय वीडियो अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आज के ही डेट में, बट मैं इसको दोपहर के समय अपलोड करना चाहता हूँ या मॉर्निंग के समय। तो उसके लिए मैं यहाँ शेड्यूल के ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ देख सकते हो शेड्यूल लिख के आ रहा है। तो शेड्यूल पे आने के बाद सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये आपका आ रहा है 6 तारीख आ रहा है। अब ये हमारे तो 12:05 हो गए, कल की डेट चढ़ चुकी है यहाँ पे, बट हमें कल की डेट में ही अपलोड करना है। तो उसके लिए सिंपल मैं जाऊँगा 5 तारीख में, 5 तारीख जैसे ही सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ टाइम जोन में आऊँगा और टाइम सेलेक्ट करूँगा मुझे कितने बजे अपलोड करना है वीडियो को। तो सिंपल मैं लगा देता हूँ 11 के आसपास की टाइमिंग, तो ये थी 11 PM। तो सिंपल जैसे ही मैंने 11 AM, तो 5 तारीख की डेट में मेरी 11 के करीब मेरा जो ये वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको शेड्यूल कर दिया है। तो डिटेल आप समझ गए, वीडियो एलिमेंट समझ गए, कार्ड और एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, और चेक का मतलब समझ ही गए, हमारी वीडियो को यूट्यूब चेक करता है, और ये विजिबिलिटी है, हमने विजिबिलिटी में अपना सेव टू और पब्लिश किया है, उसके बाद शेड्यूल कर दिया है। शेड्यूल करने के बाद आप यहाँ एक सेटिंग और देख सकते हो, ये सेट एज प्रीमियर है। सेट एज प्रीमियर क्या है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना, तो मेरे YouTube के ऊपर ये वीडियो तो शो करेगी लेकिन कोई देख नहीं पाएगा, बस नोटिफिकेशन बेल को उसमें, उसके नीचे एक नोटिफाई मी आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर सकता है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि कभी जैसी आपकी वीडियो 11 पब्लिश होती है ऑटोमेटिक शेड्यूल करने के बाद, तो सिंपल उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस भाई के वीडियो को आपने नोटिफाई मी किया था, ठीक है, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि 11 ये वीडियो अपलोड हो चुकी है YouTube पे। तो इसका मतलब सिंपल यही है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो मेरे YouTube पे वीडियो दिखने लग जाएगी बस, लेकिन कोई उसको देख नहीं पाएगा, सिर्फ उसको नोटिफाई मी कर सकता है कि जैसे ही अपलोड होए तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, बट मुझे ये नहीं करना है। तो बस मैंने 5 तारीख की डेट में 11 का टाइम सेट कर दिया है और मेरी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। सिंपल मैं यहाँ शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जैसे ही शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मेरी वीडियो यहाँ से पब्लिश हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखला देता हूँ कंटेंट में जाके, यहाँ देख सकते हो आप मेरी यहाँ वीडियो आ रही है जो शेड्यूल है। शेड्यूल कितने बजे की है, ये 5 तारीख में 11 के समय की है, 11 अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय।